अश्विकरणपुर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल गुरुद्वारा इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर वो मत्था टेकेंगे और यहां पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम की ओर से मत्था टेका गया, क्योंकि आज वीर बाल दिवस है और वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं। और क्योंकि आज श्री करणपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल, तो ऐसे में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और बहादुरों को यहां पर उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि भी दी है। तो अलग अलग कार्यक्रम जो है आज वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वीर बाल दिवस के नाम से आज के दिन अलग अलग कार्यक्रम। और ये फिलहाल गुरुद्वारा सिंह सभा की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां पर सीएम भजन लाल पहुंचे हैं और सबसे पहले सीएम की तरफ से मत्था टेका गया। करणपुर की ये तस्वीर, इसके बाद एक रोड शो भी सीएम की ओर से किया जाएगा और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज 26 दिसंबर है और आज के दिन को भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल मुगल शासनकाल के दौरान पंजाब में सिखों के नेता गुरु गोविंद सिंह के चार बेटे थे। उन्हें चार साहिबजादे खालसा कहा जाता था। 1699 में गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। धार्मिक उत्पीड़न से सिख समुदाय के लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तीन पत्नियों से गुरु गोविंद सिंह चार बेटे अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह सभी खालसा का हिस्सा थे। उन चारों को 19 वर्ष की आयु से पहले मुगल सेना द्वारा मार डाला गया था और उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वीर बाल दिवस खालसा के चार साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपनी आस्था की रक्षा करते हुए अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए थे। ये उनकी कहानियों को याद करने का दिन है और ये जानने का भी दिन है कि कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई, खासकर जोरावर और फतेह सिंह की। सरसा नदी के तट पर एक लड़ाई के दौरान दोनों साहिबजादे को मुगल शासन ने बंदी बना लिया था। इस्लाम कबूल नहीं करने पर उन्हें 8 और 5 साल की उम्र में कथित तौर पर जिंदा दफन कर दिया गया था। तो आज शबद कीर्तन भी किए गए। अशोक फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गुरुद्वारा सिंह सभा करणपुर की, जहां पर सीएम पहुंच गए हैं। हेलो, देखिए अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? श्री करणपुर के सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं और उन्होंने अभी गुरुद्वारे में मत्था टेका है।
मुख्यमंत्री और लाल श्री गंगानगर यहाँ के चिट्ठी मौजूद है प्रतिपक्ष श्री गंगानगर श्री करणपुर विधानसभा वीर बाल दिवस भी मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा तो वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल सीएम भजनलाल इस वक्त गुरुद्वारा सिंह साहब सिंह सभा में पहुंचे हैं और उनके साथ भाजपा से प्रत्याशी भी इस वक्त मौजूद हैं। अब यहां से आगे उनका रोड शो रहने वाला है और फिर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम श्री करणपुर आए हैं और यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा भी करेंगे और एक रोड शो भी आज करने वाले हैं। और उससे पहले सबसे पहले वो गुरुद्वारा पहुँचे जहाँ पर उन्होंने मत्था टेका और क्योंकि आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका, उसके बाद वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद किया, उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। तब यहां से मुख्यमंत्री की रवानगी होगी, बताया जा रहा है कि आगे यहां से एक रोड शो जो है वो सीएम करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और यहाँ पे समाज के लोग सीएम को एक तस्वीर जो है वो भेंट करते हुए नजर आ रही हैं। वीर बाल दिवस सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज जो है वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है और आज गुरुद्वारे में सभी पहुंच रहे हैं और सबसे पहले यहां पर सीएम जैसे ही श्री करणपुर पहुंचे उन्होंने सबसे पहले मत्था टेका और अब यहां से आगे के लिए रवानगी होगी। एक रोड शो बताया जा रहा है और उसके बाद जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहां पर है, लंबी लाइन जो है कार्यकर्ताओं की लगी हुई है, सभी लोग सीएम से मुलाकात भी करना चाहते हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जो है आज रोड शो ये किया जा रहा है। चुनावी प्रचार में आज सीएम श्री करणपुर पहुंचे हैं, वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हैं। अब यहां से आगे के लिए जो है यात्रा शुरू होगी। हेलो,
तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अब यहाँ से बाहर आ चुके हैं सीएम और अब आगे यहाँ से जो है रोड शो किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कल जो है सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष श्री करणपुर थे और उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था और आज जो है बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में सीएम जो है वो पहुंचे हैं, चुनावी सभा करेंगे और कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारियां की हुई है उनके स्वागत सत्कार के लिए। प्रदेश के नए सीएम भजन लाल आज श्रीकरणपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने जिले में पहुंचे हैं। सीएम भजन लाल का पहले सूरतगढ़ होकर श्रीकरणपुर जाने का कार्यक्रम तक देर रात को ये कार्यक्रम जो बदला गया था और वो सीधे श्रीकरणपुर पहुंचे हैं। स्थगित हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री की प्रदेश में ये पहली सार्वजनिक सभा होगी और पहली चुनावी सभा जो है वो रहने वाली है। भाजपा की पहली परीक्षा जो है ये है श्रीकरणपुर में है। सीएम भजन लाल करेंगे जनसभा को संबोधित यहाँ पर। 5 जनवरी को मतदान होना है, ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी है, लिहाजा ऐसे में दिग्गज नेताओं का पगफेरा भी लग रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे।